ओम शांति। परमात्मा पिता निराकार, ईश्वर अल्लाह, गॉड फादर भगवान, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, स्वयं भगवान कहते हैं, मैं आशीर्वाद व कृपा नहीं करता, मैं बच्चों को मार्ग बताता हूं। जो मेरे मार्ग पर चलते हैं वे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर बनकर सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, सर्व कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे परमात्मा निराकार, हम मनुष्य निराकार आत्माओं को श्रीमत देते, पहली बात भगवान कहते पवित्र बनो, योगी बनो। पहला मार्ग भगवान बताते पवित्र बनो, योगी बनो। दूसरी श्रीमत भगवान देते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, एक बाप को ही याद करना है, अर्थात देह तथा देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक निराकार परमात्मा को निराकार आत्मा की स्मृति में रहकर याद करना है। तीसरा मार्ग बाबा बताते ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का पालन करना है। चौथी श्रीमत बाबा बताते कभी भी संग दोष में नहीं आना है, कभी भी संग दोष में नहीं आना है। पांचवा मार्ग बाबा बताते सदा श्रेष्ठ संग, ईश्वरीय संग में रहना है, सदा श्रेष्ठ संग, ईश्वरीय संग में रहना है। छठी श्रीमत बाबा बताते सबको सुख ही देना है, सबको सुख ही देना है। सातवीं श्रीमत बाबा बताते किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना है। आठवीं श्रीमत भगवान बताते सदा शांत चित, हर्षित, गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है, सदा शांत चित, हर्षित चित, गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है। नवी श्रीमत भगवान बताते सबको बाप का परिचय देना है, सुख शांति का रास्ता बताना है, सबको भगवान का यथार्थ परिचय देना है, सुख शांति का रास्ता बतलाना है। दसवीं श्रीमत भगवान बताते किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। ग्यारहवीं श्रीमत बाबा कहते सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। बारहवीं श्रीमत बाबा कहते अपनी चलन देवताओं जैसी बड़ी रॉयल रखनी है, अपनी चलन अर्थात अपने मनसा वाचा कर्मणा देवताओं के समान रखनी है। तेरहवीं श्रीमत में भगवान कहते कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। चौदहवीं नंबर श्रीमत में भगवान कहते कभी भी रूठना नहीं है, कभी भी भगवान से रूठना नहीं है। पंद्रहवीं श्रीमत में बाबा कहते कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह कल्याणकारी ही होता है। 16 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सदा रूहानी खुशी में रहना है, सदा रूहानी खुशी में रहना है। 17 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सबको सुखदाई वरदानी बोल से उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है, सभी को सुखदाई वरदान बोल से उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है।
18 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सदा ईश्वरीय याद में रहे, रूहानी नशे में रहना है। सदा ईश्वर को याद करना है और रूहानी नशे में, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इसी नशे में रहना है। 19 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहना है। विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहना है। 20 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, अमृत बेले उठ, विचार सागर मंथन का विश्व सेवा के नए नए प्लान बनाने हैं। अमृत बेले उठ, विचार सागर मंथन का विश्व सेवा के नए नए प्लान बनाने हैं। 21 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, अमृत बेले उठ, बाप को बड़े प्यार से दिल से याद करना है। अमृत बेले उठ, भगवान को बड़े प्यार से दिल से याद करना है। 22 नंबर श्रीमत में भगवान कहते, किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं करना है। किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं करना है। 23 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, बहुत बहुत मीठा बन, सबको मीठा बनाने की सेवा करनी है। बहुत बहुत मीठा बन, सबको मीठा बनाने की सेवा करनी है। 24 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, कभी भी विकारों में नहीं जाना है। कभी भी विकारों में नहीं जाना है। 25 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करना है। 26 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। 27 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, देवीय गुण धारण करने हैं। देवीय गुण धारण करने हैं। 28 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। 29 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। 29 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, अर्थात अपनी कमी कमजोरियों को चेक करते रहना है। 30 नंबर श्रीमत में भगवान कहते, आपस में ज्ञान की ही लेनदेन करनी है। आपस में ज्ञान की ही लेनदेन करनी है। 31 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। 32 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, माया से कभी भी हार नहीं खानी है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। 33 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, इस मायावी संसार के आकर्षण में नहीं आना है। इस मायावी संसार के आकर्षण में नहीं आना है। 34 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। 35 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी है। 36 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है। 37 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप से, अर्थात भगवान से, कुछ भी छिपाना नहीं है। 38 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, बाप के भंडारे से जो भी मिले उसमें ही सदा संतुष्ट रहना है। बाप के भंडारे से जो भी मिले उसमें ही सदा संतुष्ट रहना है। 39 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सचखंड की स्थापना के कार्य में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सचखंड की स्थापना के कार्य में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। 40 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, संगठन को मजबूत बनाने के लिए
सदा एक मत होकर रहना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदा एक मत होकर रहना है। 41 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। 42 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। 43 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सभी की विशेषताओं को ही देखना है। सभी की विशेषताओं को ही देखना है। 44 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, किसी से भी पैसे की लेन देन का अब हिसाब किताब नहीं रखना है। किसी से भी पैसे की लेन देन का अब हिसाब किताब नहीं रखना है। 45 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर रहना है। एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर रहना है। 46 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। 47 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, बीमारी में भी सदा खुश रहना है। बीमारी में भी सदा खुश रहना है। 48 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, किसी की भी निंदा अथवा पर चिंतन नहीं करना है। किसी की भी निंदा अथवा पर चिंतन नहीं करना है। 49 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सबको शांति धाम सुख धाम की राह दिखानी है। सबको शांति धाम सुख धाम की राह दिखानी है। निंदा 50 नंबर श्रीमत, निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस स्थिति रखनी है। निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस स्थिति रखनी है। 51 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, कभी भी झरमुई झंगमुई नहीं होना है। कभी भी झरमुई झंगमुई नहीं होना है। 52 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी होकर रहना है। 53 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सिवाय एक बाप के किसी से भी मोह नहीं रखना है। सिवाय एक बाप के किसी से भी मोह नहीं रखना है। 54 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, योग अवस्था में रहकर ही हर कर्म करना है। योग अवस्था में रहकर ही हर कर्म करना है। 55 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ज्ञान की टिकलू टिकलू भू भू और शंख ध्वनि करते रहना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू भू भू और शंख ध्वनि करते रहना है। 56 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, भोजन की एक एक गिट्टी बाप की याद में रहकर बाप के साथ खानी है। भोजन की एक एक गिट्टी बाप की याद में रहकर बाप के साथ खानी है। 57 नंबर श्रीमत, किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। 58 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सदैव सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। सदैव सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। 59 नंबर श्रीमत में भगवान कहते, भोजन पर एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलानी है। भोजन पर एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलानी है। 60 नंबर श्रीमत है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। 61 नंबर श्रीमत, सर्विस में कमी बहाना नहीं करना है। सर्विस में कभी भी बहाना नहीं देना है। 62 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, बड़ों को रिगार्ड और छोटों को स्नेह देना है। बड़ों को रिगार्ड और छोटों को स्नेह
देना है। 63 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। 64 नंबर श्रीमत में भगवान कहते, चलते फिरते उठते बैठते भी बाप की याद में रहकर दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। चलते फिरते उठते बैठते भी बाप की याद में रहकर दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। 65 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। 66 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ट्रैफिक कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करना है। ट्रैफिक कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करना है। 67 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, रात्रि सोने से पूर्व भी बाप को अपना सच्चा पोता मेल देना है। रात्रि सोने से पूर्व भी बाप को अपना सच्चा पोता मेल देना है। 68 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 69 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सर्व संबंध एक बाप से ही रखने हैं। सर्व संबंध एक बाप से ही रखने हैं। 71 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। 72 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, खाने पीने की चीजों में भी अनासक्त वृत्ति रखनी है। खाने पीने की चीजों में भी अनासक्त वृत्ति रखनी है। 73 नंबर कहा श्रीमत में बाबा कहते, अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। 74 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है। ज्यादा हंसी मजाक में नहीं आना है। 75 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, जरूरत से ज्यादा चीजें संग्रह नहीं करनी है। जरूरत से ज्यादा चीजें संग्रह नहीं करनी है। 76 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। विनाश के पहले पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। 77 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। 78 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, देह अभिमानवश कोई भी विकर्म नहीं करना है। देह अभिमानवश कोई भी विकर्म नहीं करना है। 79 नंबर कहावत 79 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। 80 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, याद की फांसी पर लटके रहना है। याद की फांसी पर लटके रहना है। 81 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। 82 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, पढ़ाई में रेगुलर पंचुअल बनना है। पढ़ाई में रेगुलर पंचुअल बनना है। 83 नंबर कहावत में भगवान कहते, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है, ना बुरा सोचना है, ना ही बुरा सुनना है। ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है, ना बुरा सोचना है, ना ही बुरा सुनना है। 84 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। 85 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना है। सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना है।
86 नंबर श्रीमत में बाबा कहते कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है, कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। 87 नंबर श्रीमत में बाबा कहते संबंध संपर्क में आते सदा रूहानियत में रहना है, संबंध संपर्क में आते सदा रूहानियत में रहना है। 88 नंबर श्रीमत में बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है। 89 नंबर श्रीमत में बाबा कहते पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। 90 नंबर श्रीमत में बाबा कहते वायुमंडल में शांति शक्ति खुशी उमंग उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है, वायुमंडल में शांति शक्ति खुशी उमंग उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। 91 नंबर श्रीमत में बाबा कहते मम्मा बाबा को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। 92 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। 93 नंबर श्रीमत में बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनना है, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनना है। 94 नंबर श्रीमत में बाबा कहते साक्षी अवस्था में रहे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, साक्षी अवस्था में रहे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। 95 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सच्ची दिल से बाप पर पूरा पूरा बलियार जाना है, सच्ची दिल से बाप पर पूरा पूरा बलियार जाना है। 96 नंबर श्रीमत में बाबा कहते देवीय मेनर्स धारण करने और कराने हैं, देवीय मेनर्स धारण करने और कराने हैं। 97 नंबर श्रीमत में बाबा कहते किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। 98 नंबर श्रीमत में बाबा कहते कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। 99 नंबर श्रीमत में बाबा कहते और सब संग तोड़ एक संग में रहना है, और सब संग तोड़ एक संग में रहना है। 100 नंबर श्रीमत में बाबा कहते योग बल से अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, योग बल से अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। 101 नंबर श्रीमत में बाबा कहते अपना स्वभाव सरल बनाकर सबसे मिलनसार होकर रहना है, अपना स्वभाव सरल बनाकर सबसे मिलनसार होकर रहना है। 102 नंबर श्रीमत में बाबा कहते योग ज्वाला से अपने पुराने अवगुणी स्वभाव संस्कार को जड़ से निकाल भस्म करना है, योग ज्वाला से अपने पुराने अवगुणी स्वभाव संस्कार को जड़ से निकाल भस्म कर देना है। 103 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सर्व आत्माओं को सुख देकर दुआओं का पात्र बन अविनाशी खाता जमा करना है, सर्व आत्माओं को सुख देकर दुआओं का पात्र बन अविनाशी खाता जमा करना है। 104 नंबर श्रीमत में बाबा कहते अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, सबको उमंग उत्साह में लाने वाले बोल बोलने हैं, अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, सबको उमंग उत्साह में लाने के वाले बोल ही बोलने हैं। 105 नंबर श्रीमत में बाबा कहते सदैव बाबा को अपना साथी बनाकर रखना है, सदैव बाबा को अपना साथी बनाकर रखना है। 106 नंबर श्रीमत में बाबा कहते बाप समान बन सबको शीतलता के छींटे डालकर शीतल
बनाना है। बाप समान बन, सबको शीतलता के छींटे डाल, शीतलता के छींटे डाल कर शीतल बनाना है। 107 नंबर श्रीमत में बाबा कहते, पवित्रता के बल पर श्रीमत द्वारा विश्व को पावन बनाने की निरंतर सेवा करते रहना है।